मुजफ्फरपुर का घटना जो है ना, बिल्कुल वही राजनीतिक लोगों का चक्कर है। वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करना चाहिए, सबको मिलजुल कर वहाँ पर देखना चाहिए कि क्या मतलब वहाँ किस कारण से बच्चे लोग को मौत हो रही है। सभी को एक होकर मदद करना चाहिए और सरकार इस पर ध्यान देंगे। इलाज नहीं हो पा रही है सही से, इसलिए इतनी मौत हो रही है। ये बच्चे लोग का ज़्यादा स्थिति गड़बड़ाल है, इस पर विशेष केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ वसीम। चमकी बुखार मुजफ्फरपुर में मानो कहर सा टूट बरसा है मासूम बच्चों पर। इस पर बयानबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही, विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। हम यही जानने निकले हैं कितना उचित है चमकी बुखार जैसी लाइलाज बीमारी पर सियासत करना, या फिर सभी को एकजुट होकर मुजफ्फरपुर में मदद करना चाहिए पीड़ित परिवार को और मासूम बच्चों को, जो कि पल पल कहीं ना कहीं एक मौत का दृश्य देख रहे हैं। तो चलिए जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं उनकी राय कि आखिर उनकी माने तो क्या सियासत होना ज़्यादा उचित, या फिर सभी को एकजुटता के साथ मदद करनी चाहिए इस गंभीर घटना पर। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं जी, आपको क्या लगता है राजनीति दल इस पे सियासत कर रहे हैं या फिर मुजफ्फरपुर में इस गंभीर घटना पर मदद भी की जा रही है? नहीं, ये राजनीतिक लोग जो है ना सियासत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर का घटना जो है ना, बिल्कुल वही राजनीतिक लोगों का चक्कर है। आपको क्या लगता है सरकार को किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए? चमकी बुखार से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। नहीं, राजनीतिक ये हटा करके जो है ना, मतलब वो खुद जो है गवर्नमेंट इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। विपक्ष की पार्टियाँ जो विपक्ष की, वो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभवन मार्च निकाल रहे हैं, क्या लगता है ये सब ना करके उन्हें क्या मुजफ्फरपुर में जो ये गंभीर घटना है उस पर मदद करनी चाहिए थी जाके? मदद बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये जो प्रदर्शन कर रही है कहीं ना कहीं गलत है? गलत है। क्या लगता है? ये गलत है जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, गलत है। इसमें जो है विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी, नहीं तो विपक्ष के लोग प्रदर्शन, वो तो सही कर रहे हैं। अच्छा, प्रदर्शन जो, चूँकि गवर्नमेंट जो अभी राज्य सरकार जो है उस पर कोई सही स्टेप नहीं उठा रहा, इसलिए क्या लगता है विपक्ष को इस चीज़ों को लेकर मुजफ्फरपुर में जाकर मदद करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट से कहना चाहिए जो कि मतलब सही रूप से जो है ना इसको देखा जाए। तो प्रदर्शन करना ज़्यादा उचित है या फिर मदद करना मुजफ्फरपुर में उन मासूम बच्चों के परिवारों? प्रदर्शन करने से तो कोई कुछ फायदा नहीं है, मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी मदद करना है जी। सभी को एक होकर मदद करना चाहिए और सरकार इस पर ध्यान देंगे और दे ही रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो जितने सब संगठन के लोग, नेता लोग हैं, उस पर जाकर डॉक्टर से ये सब ध्यान देकर हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, जो घट रहा वहाँ जाकर वो पूर्ति करें। जब विपक्ष की बहुत जितनी भी पार्टियाँ हैं वो धरना पर बैठी हैं, कोई प्रदर्शन कर रही हैं, कोई राजमार्च निकाल रही हैं, उस कितना उचित लगता है? वो बेकार है, वो करने से कोई फायदा नहीं है। सब एकत्रित होकर के वहाँ जितने हॉस्पिटल है व्यवस्था है उसको सही करें, और ये बच्चे लोग का ज़्यादा स्थिति गड़बड़ाल है, इस पर विशेष केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। किस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए इन लोगों को वहाँ पर जाकर? वहाँ डॉक्टर सही नहीं है तो वहाँ बढ़िया डॉक्टर बुलाया जाए, व्यवस्था किया जाए, बेड उड का सही नहीं व्यवस्था है जी, उस चीज़ को सुधार करके बढ़िया से उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। यानी धरना पर बैठना कितना उचित समझ? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है जी, बिल्कुल उचित नहीं है, ये एकदम राजनीतिक है यार। राजनीतिक से बच्चों लोगों का तबीयत ठीक होगा नहीं जी, बच्चों का तबीयत ठीक होगा बढ़िया डॉक्टर रहेंगे, हर चीज़ का व्यवस्था वहाँ होगा, समय समय पर जा कर के देखा जाए कि हाँ कैसा व्यवस्था हो रहा है, ट्रीटमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वहाँ का जो मेन डॉक्टर जो अध्यक्ष होंगे उनको जाके उनको दबाव दिया जाए, हाँ, और समय से डॉक्टर उनको इलाज करें तब ना ठीक होगा। हाँ, जब बिहार सरकार की यदि बात करें तो बिहार सरकार चमकी बुखार को लेकर कितना गंभीर दिख रही है? बिहार सरकार इस पर ध्यान दे रहे हैं,
नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ गए हैं और सभी को बच्चों को देखे हैं और जो कमियां हुए हैं उस चीज़ को डॉक्टर को बोले हैं कि इसको पूर्ति करके बढ़िया से इलाज कीजिए। इलाज नहीं हो पा रही है सही से, इसलिए इतनी मौत हो रही है। अच्छा, इस पर राजनीति सियासत करना ज़्यादा ज़रूरी है या मदद करना ज़्यादा जरूरी? मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। विपक्ष की जितनी भी पार्टियाँ हैं वो धरना पे बैठी हुई हैं, कोई राजभवन मार्च निकाल रही हैं, कोई प्रदर्शन कर रही है, कितना उचित लगता है आपको ये? मेरे तो ये लगता है कि जितना आप लोग से मदद हो सकता है वो कर सकते हैं जी। इलाज के थ्रू यानी एकजुट होकर मदद करना ज़्यादा जरूरी है जी। एकजुट होकर यहाँ पे सभी को मदद करनी चाहिए। और यहाँ पे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री जो अश्विनी कुमार चौबे हैं उनको इस पर बहुत कड़ा नज़र ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो हो रहा है बहुत बिहार में अभी लगभग 200-150 के करीब बच्चा मौत से जूझ रहे हैं और काफ़ी बच्चा मौत हो चुका है वहाँ पे। और वहाँ पे हम लोग को मिलकर एकजुट होकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए क्योंकि ये जो है वो पूरा बिहार के लिए बहुत ही बहुत शर्मनाक की बात है कि मान लीजिए कि हम लोग बिहार में रह के ही यहाँ पे कुछ मदद नहीं हो रहा है। जो नया बीजेपी की सरकार है और नीतीश कुमार की जो सरकार है वहाँ पे भी यहाँ पे गए लोग, वहाँ पर हम भी गए थे एक बार मुजफ्फरपुर तो नीतीश कुमार जी गए थे वहाँ पर लेकिन कोई किसी से मिले भी नहीं और अपने आप वहाँ से गाड़ी से पुलिस के द्वारा निकल पड़े। हम लोग वहाँ पर गए थे और एक बार भोजपुरी विपक्ष की बहुत सारी पार्टियाँ हैं, कह सकते हैं तमाम विपक्ष की पार्टियाँ जी जी धरना पे बैठी हैं, कोई प्रदर्शन कर रही है, कोई राजमार्च निकाल रही है, कितना उचित लग रहा है कि ये प्रदर्शन करना या धरना पे बैठना या फिर जाकर मदद करना, दोनों में से क्या लगता है? धरना करना कोई विपक्ष को ज़्यादा देती नहीं है, मतलब इसमें आप लोग को एकजुट होकर मदद करना चाहिए। अभी उसको मदद की ज़रूरत है, धरना की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर धरना करने से हुआ कि बताइए और कोई वहाँ पर नेता मंत्री पहुँचेगा उसका आश्वासन देगा, आश्वासन से काम तो चलने वाला है नहीं। वहाँ पर वहाँ पे है कि आप एकजुट होकर वहाँ पे एक मदद करिए। हम लोग तो यहीं कृपया करेंगे कि वहाँ जो बच्चे जूझ रहे हैं उनके लिए मदद करना ही आवश्यक है। क्या इस पर राजनीति करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सभी को एकजुटता होकर वहाँ मदद करना ज़्यादा? वहाँ मदद करना ज़रूरी है, वह मदद करना हाँ। किस तरह की व्यवस्थाएँ वहाँ करनी चाहिए? वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करना चाहिए, सबको मिलजुल कर वहाँ पर देखना चाहिए कि क्या मतलब वहाँ किस कारण से बच्चे लोग को मौत हो रही है। सरकार कितना इस पर गंभीरता से कदम उठा रही है? ये तो तय है कि मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है, बट आप अभी समझदार इंसान हैं, किसी भी पार्टी का कोई इंसान अगर न पहुँचे मेन लीडर वहाँ तो भी वो बदनामी वाली बात होती है कि भाई आप क्या कर रहे थे, एक बार देखने तक नहीं आए, ठीक है ना? तो भाई दोनों चीज़ अपने जगह पे सही है, सियासत नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए इसमें। जब विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं कोई धरना पे बैठी हैं, कोई राजभवन मार्च निकाल रही है, कोई प्रदर्शन कर रही है, कितना उचित लग रहा है कि प्रदर्शन करना धरना पर बैठना आपको उचित लग रहा है या इन लोगों को एक होकर जाना चाहिए वहाँ मदद करने? एक होकर के मदद करने के लिए जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन से क्या मिलेगा, किससे क्या मांग रहे हैं आप? क्या ऊपर वाला करके कुछ दे देंगे जी? आप धूप में बैठ जाइए, छांव में बैठ जाइए, जहाँ भूखे प्यासे बैठ जाइए, उससे क्या मिलने वाला है जी? मिलेगा तब आप उस भूख प्यास में तड़पते हुए भी उसके लिए कुछ कीजिए। सरकार इस चमकी बुखार जो मुजफ्फरपुर में जो चमकी बुखार का एक कहर है उसे कितना गंभीरता से ले रही है बिहार सरकार की यदि बात करें तो? ऑलरेडी ये हर साल की घटना है और सरकार को समय आने से पहले जो है ना अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। जैसे बाढ़ आने के पहले आप बोड़िया और बालू का व्यवस्था कर लेते हैं, बोड़िया में बालू पैक करके उसको रखते हैं, जहाँ कहीं भी बांध टूटने का संभावना हो उसको जो है मरम्मत करने की। ठीक उसी तरह से जब ये मौसम आता है, ये हर साल का घटना या आज का घटना नहीं है, ये मेरे ख्याल से 2010 में जो है 93 से ये जो है ये पनप रही है चमकी। हाँ, पहले धीरे धीरे था, 2010 में जो ये जो आया था ना वो भी भीषण था, उस समय काफ़ी बच्चे जो है ना देहांत हुआ था, काफ़ी बच्चे का देहांत हुआ था। बिहार सरकार किस तरह की बंदोबस्त उन्हें करनी चाहिए थी आपको लगता है? सबसे पहले जो चीज़ सामने उजागर आया है उसमें में मतलब कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए था उसके पहले, और भी जो हम बार बार जो है ना लीची 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 कह करके, तो जब उसका उत्पादन होता है उस समय इस पर हम क्यों गंभीरता रूप से जो है ना अपने आप को खड़ा क्यों नहीं उतारते? सिंपल सी बात है ये। सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए बढ़ चढ़ कर।
यही मतलब कि यही अच्छा है, पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह विपक्षी पार्टियां जो है धरना नहीं, पे नहीं, बैठी हैं, हाँ। राजभवन मार्च निकाल रही हैं, प्रदर्शन करें, कितना उचित लगता है? नहीं ये बिल्कुल गलत है, उसको जाके सहयोग करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। वहाँ पर लोग जाते हैं सहयोग करते हैं पैसा से सी से, तो ये ठीक नहीं है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। बिहार गवर्नमेंट इसे कितना गंभीरता से ले रही है? काफ़ी अच्छा गंभीरता से ले रही है, इसको ले रही है। चमकी बुखार मुजफ्फरपुर में एक कहर डाल रहा है, उसमें सियासत होना ज़्यादा अहम है या फिर वहाँ पर जाकर सभी को एकजुटता के साथ मदद करनी? देखिए इस सिचुएशन में तो देखिए अपोजिशन का काम होता है अपोज करना, बट जो ये सिचुएशन है इससे सबको साथ में आकर फाइट करना चाहिए और जितना जल्दी उतना जल्दी मतलब एकजुट होकर इसके लिए एक मतलब मेडिकल टीम हो जो भी हो, ये तो हो तो बहुत पहले से रहा है पर कुछ ना कुछ तो कमी है गवर्नमेंट में भी और जो भी मेडिकल टीम है जो इसका इलाज नहीं खोज पा रही है और जो भी है, तो मतलब सबको मिल के एक मेडिकल टीम बनाना चाहिए और इसके लिए करना चाहिए मतलब। तो विपक्षी जो तमाम पार्टियां हैं वो धरना पे बैठे हैं, कोई प्रदर्शन करे ये चीज़ मतलब ये चीज़ अगर मतलब इस चीज़ को जो जो डिजीज़ है जो भी है जो हेल्थ से संबंधित है इसके लिए तो सबको जुट के आना चाहिए सबको एक साथ काम करना चाहिए, मतलब एक हद तक सही है वो भी लेकिन इतना नहीं, मतलब उनको भी इस समय मिलना चाहिए मेन गवर्नमेंट से जो स्टेट की गवर्नमेंट है और मिलकर। बिहार गवर्नमेंट मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार को कितना गंभीरता से ले? गंभीरता से हमारे हिसाब से तो मतलब ये बीमारी जो पहले से है अभी से तो है नहीं, अगर उसने गंभीरता से लिया रहता एक टीम तैयार किया रहता और इसको पता लगाया रहता कि सच में है क्या, इस पर मेडिकल टीम ने सर्च किया रहता और उसका एंटीबायोटिक जो भी है उसको खोजा रहता तो आज ये शायद कंडीशन नहीं रहता। जैसे कि गोरखपुर में भी थोड़ा जो था वो वहाँ पे बीमारी था तो वहाँ पे जब वो जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उसने एम्फिसाइज किया, जो उस समय प्रेजेंटिंग गवर्नमेंट थी तो एम्स आया, तो अभी उस बीमारी के लिए मतलब जो भी है अब वो हालात सही होगा, वैसे ही कुछ यहाँ भी करना चाहिए क्योंकि बीमारी आज से थोड़ी है बहुत पहले से आ रहा है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था अभी तक तो शायद कुछ तो कमी है। हाँ अभी गंभीर नहीं है इस सिचुएशन को लेकर। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों की जागरूकता हुई कि बिहार में इस प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं जिसके लिए हमें ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की ही कमी है, ये हो सकता है कि मे बी वहाँ के जो भी अस्पताल के पदाधिकारी हैं चिकित्सक पदाधिकारी मे बी उनकी फेलियर कहा जाए, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होते जाएगा लोगों की भीड़ बढ़ती गई पेशेंट की संख्या बढ़ती गई उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो पदाधिकारी हैं फटाफट गवर्नमेंट से यानी स्वास्थ्य विभाग से अपने बिहार सरकार के लोगों के साथ बैठ करके एक बैठक करके उस हिसाब से संख्या बोली यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं अपने भाषा मैन पावर को इकट्ठा करके हॉस्पिटल के सारी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने के लिए इकट्ठा होने। दूसरा नंबर चीज़ मैं सारे सियासत जो भी लोग कर रहे हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस दुख की घड़ी में जो जहाँ जितना संभव है जितना सक्षम है उतना हेल्प करें आगे आकर के, बाद में सियासत हो किसकी क्या प्रॉब्लम है ये पूरा सॉल्व हो जाए मैटर, ये बीमारी ख़त्म हो जाए तो फिर जो भी पदाधिकारी हों वहाँ मतलब स्टाफ हों नर्सिंग स्टाफ हों या फिर जो भी चिकित्सक पदाधिकारी वहाँ तो उनके ऊपर कार्रवाई होता कि जब आपको पता था कि इस तरीके का प्रॉब्लम होना स्टार्ट और बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू होने वाला है तो बाय द वे इसका ऊपर में इन्फॉर्मेशन देना वहाँ से मैन पावर के इकट्ठा करना। अगर बिहार में उस तरीके का मैं तो नहीं मानता हूँ कि बिहार की धरती पर डॉक्टरों की कमी है इंजीनियर कमी है या फिर शिक्षा विभाग की कमी है, मुझे नहीं, आई एम सो सॉरी प्लीज, अगर जो कोई कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेनी चाहिए तो ये कहीं ना कहीं हमारा बिल्कुल विफलता कहेंगे गवर्नमेंट का, क्योंकि बिहार से ज़्यादा हमको नहीं, बिहार से लोग जाते हैं हेल्प करने के लिए दूसरे राज्य और दूसरे देश में, बट बिहार में प्रॉब्लम इतना क्रिएट हो जाना और बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर में दरभंगा पटना ये सारा तो मेडिकल हब रहा है तो कहीं ना कहीं विफलता तो मानना ही पड़ेगा और इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, जो जहाँ तक सक्षम है वो एक साथ मिल करके काम करे। और मान लीजिए मेडिकल हॉल जो है वहाँ अस्पताल है वहाँ पे बेड की कमी है तो बड़े बड़े पंडाल बड़े बड़े एक कनाट बनाया जाए ताकि लोगों की संख्या एडजस्ट किया जा सके ताकि किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, कोई बेमौत नहीं मारा जाए, क्योंकि कोई मेरा ही बेटा हो अगर 5 साल का हो 6 साल का 10 साल का मर जाए तो मैं किसके लिए जीता हूँ, अपने परिवार के लिए जीता हूँ, अपने बाल बच्चे के लिए बेहतर पोषण और बेहतर उसके उज्जवल भविष्य के लिए। अभी की बात की जाए तो आपको बिहार गवर्नमेंट
चमकी बुखार और मुजफ्फरपुर में जो मासूम बच्चों की लगातार मौत हो रही है उसको लेकर कितना गंभीर दिख रही है? बिल्कुल, हम ये मानना चाहते हैं कि वहाँ के चिकित्सक पदाधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री और प्लस में भी हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों को एक तालमेल का जो कमी हुई है ये सारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अगर जरा सा भी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुआ है, अगर मिलकर के इसको सॉल्व करने की क्षमता मैन पावर को बढ़ा दिया जाता, माने कहीं कहीं हॉस्पिटल से सारे संख्या और नर्सिंग स्टाफ को बुला डॉक्टर बुलाया जाता तो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता, रुका जा सकता था। तो कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मुजफ्फरपुर का घटना जो है ना, बिल्कुल वही राजनीतिक लोगों का चक्कर है। वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करना चाहिए, सबको मिलजुल कर वहाँ पर देखना चाहिए कि क्या मतलब वहाँ किस कारण से बच्चे लोग को मौत हो रही है। सभी को एक होकर मदद करना चाहिए और सरकार इस पर ध्यान देंगे। इलाज नहीं हो पा रही है सही से, इसलिए इतनी मौत हो रही है। ये बच्चे लोग का ज़्यादा स्थिति गड़बड़ाल है, इस पर विशेष केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हम जुड़ रहे थे जनता से और जान रहे थे उनकी राय कि मुजफ्फरपुर जैसी चमकी बुखार लाइलाज बीमारी पर सियासत होना ज़्यादा अहम है या फिर सभी को एकजुट होकर मदद करनी चाहिए। जनता ने भी अपनी राय को खुलकर रखा, उन्होंने कहा कि सियासत करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, अभी का टाइम है कि सभी को एकजुटता के साथ मुजफ्फरपुर में मदद करनी चाहिए। मदद की ज़रूरत भी है, प्रदर्शन की नहीं, धरने की नहीं और राजमार्च की नहीं, ज़रूरत है तो एकजुटता के साथ मदद की। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको सबसे पहले अपडेट रख सके। कैमरे के पीछे हैं विकास और मैं हूँ वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।